भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। पूरे भारत में इंडियन रेलवे द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में इंडियन रेलवे द्वारा 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ को भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क का ये 1170 किलोमीटर है, जिससे इलेक्ट्रिक लोगों की परिचालन और रखरखाव के लागत में कमी आई है। इसके साथ ही रेलवे ने आयात होने वाले कच्चे तेल की निर्भरता के साथ विदेशी मुद्रा की बचत की भी कमी की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नई ब्रॉडगेज लाइन को भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क की रेलवे की नीति के अनुरूप स्वीकृति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख रेलवे स्टेशन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कोरबा है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर स्थित है, जो एक इम्पोर्टेंट जंक्शन है और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक माल ढुलाई होती है, यहाँ से रेलवे को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। रेलवे छत्तीसगढ़ से देश को अन्य हिस्सों में खनिज, कृषि उत्पादों और अन्य सामानों को ट्रांसपोर्ट करता है। छत्तीसगढ़ में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, अब यहाँ पर कच्चे तेल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।